हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है, कैसे? देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, ये वाला स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन पर टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ना ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का ये जो ऑप्शन है ना, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है, तो आपका इस तरीके से पेज आता है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे अलाउ का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा। इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पहले ऑप्शन को यूज करने में और इसे समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है, ठीक है? तो ये टैप एक्सेसिबिलिटी बटन के सामने जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे टैप करना है, तो आपका ये बॉक्स में राइट टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको नीचे सेव का ये बटन टैप करना है, तो आपका ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के इस ऑप्शन के सामने वाला ये बटन ऑन हो जाता है। और जैसे ही ये बटन ऑन होता है, तो आपकी फोन की स्क्रीन के नीचे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक ये शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देता है, यहां पे ऐड हो जाता है स्क्रीन के सबसे नीचे। ये बटन जो है ना, आपकी फोन की स्क्रीन पे देखिए सभी जगह आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। आप इस बटन का यूज ना कभी भी किसी वक्त आप इसका कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपको करना ये है कि जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है, इसे टैप करना है, तो ये एक छोटे से पेज में ओपन हो जाता है। अब इस पेज को आप ना लेफ्ट और राइट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ना ये पावर का ऑप्शन है, पावर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है? अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन है, इसे उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है, फिर इसे छोड़ देना है, ठीक है? तो इससे आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल फोन रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने मोबाइल फोन में यूज करके देखिएगा, ठीक है ना?